ज्ञानवापी को लेकर यह बड़ी खबर है। ज्ञानवापी में आज के पहले चरण का सर्वे पूरा हो गया है। आज की पहली शिफ्ट का एसआई सर्वे पूरा हुआ है। दीवार और गुंबद के नीचे की मैपिंग की गई है। व्यास जी की गद्दी के पास भी सर्वे हुआ है। दोपहर 3 बजे फिर से सर्वे का काम एसआई की टीम शुरू होगी। जैसा हमने आपको पहले बताया था कि अब 2 शिफ्ट में एक दिन में सर्वे का काम होगा। ज्ञानवापी परिसर का सर्वे जारी रखने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज लगातार दूसरे दिन ज्ञानवापी परिसर का सर्वे हुआ। पहले राउंड का सर्वे पूरा हो चुका है। इसमें एएसआई की 40 सदस्यीय टीम ने हिस्सा लिया। आज मुस्लिम पक्ष ने परिसर के हर कमरे की चाबी एएसआई को सौंप दी। कल सर्वे में मुस्लिम पक्ष शामिल नहीं हुआ था, लेकिन आज मौजूद रहा। हमारे यहाँ इखलाक अमर एडवोकेट है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी है और एक मेंबर है। और बस कल जो कार्रवाई हुई और आज जो कार्रवाई चल रही है, उससे आप लोगों को क्या अभी लग रहा है? चीजें सही जा रही हैं जो आप लोग? नहीं, उनका सर्वे तो अभी आज हम लोग थे, आज हम लोगों को सामने जो हुआ वो अपने हिसाब से सही कर रहे हैं। एएसआई की टीम अभी अपने सर्वे में जीपीआर तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर रही है। अभी परिसर का मुआयना किया गया, अभी सिर्फ मेजर कर रहे हैं, नाप मेजरमेंट कर रहे हैं, मैप बना रहे हैं। जो वहाँ पे डिजाइनिंग है उसको वो ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने कैमरे से, अपने वीडियोग्राफी से, जो उनके उनके सिस्टम से जो है उसको कर रहे हैं। उसमें किसी की न तो बोलने की आवश्यकता है न किसी से वो असिस्टेंट लेंगे। और पहले राउंड का सर्वे हो चुका है। सर्वे के बाद हिंदू पक्षकार सीता साहू का क्या कहना है, ये आपको सुनाते हैं। जीपीआर तकनीक द्वारा से आज सर्वे शुरू कर दिया गया है। चारों तरफ लोग टीम में बट गए हैं, 4 टीम में बटी हुई है। फोटोग्राफी हो रही है, वीडियोग्राफी हो रही है, साथ में जीपीआर का भी आज इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो घास वगैरह था उसको हाथों से निकाला गया है। पश्चिमी दीवार पे बयान नाम का एक मैंने देखा, ये मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। वो जैसे आधा रहता है मूर्ति पशु का और आधा रहता है देव का, उस तरह का है। अच्छा, और अंदर तहखाने के अंदर वही टूटी फूटी जो खम्भे हैं मंदिर के अवशेष पड़े हुए हैं, टूटी मूर्तियाँ हैं, शिव पार्वती जी का टूटा हुआ जो था वो सब है, और टूटी हुई खम्भे पड़े हुए हैं, आले बने हुए हैं, स्वास्तिक है, त्रिशूल बने हुए हैं, ये सब दिख रहे हैं। अभी कार्य चल ही रहा है, अभी तो बहुत टाइम है। ये सब दीवार पे बने हुए हैं और दिख रहा है, साफ साफ पता चल रहा है। श्लोक लिखे हुए हैं वो भी साफ साफ दिख रहे हैं। तो हिंदू पक्षकार सीता साहू ने क्या कुछ कहा, अंदर जाकर उन्होंने क्या देखा, ये उन्होंने बताया। वहीं हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। अभी एएसआई की पूरी टीम अपनी कार्रवाई कर रही है, बड़े सिस्टमेटिक ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से कर रही है। अंजुमन मुस्लिम पक्ष की भी टीम जो है अपने काम को कर रही है, सहयोग दे रही है पूरी तरह से। और हम लोग सेंट्रल डोम जो मुख्य हाल है गुंबज के नीचे, वहाँ भी एएसआई की टीम पहुँच चुकी है। वो भी अपनी कार्रवाई वहाँ भी नाप जोख मेजरमेंट फोटोग्राफी अपनी कार्रवाई को कर रहा है। अब बहुत सुचारू, बड़ा सकारात्मक पॉजिटिव तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से एएसआई अपने काम को कर रहा है।